जो लोग इंडिया से कुवैत का फ्लाइट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि अभी इंडिया में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि ऑक्सीजन यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात से मंगाया जा रहा है। जैसा कि ये फोटो देखें, इसके अंदर सीधा जो कंटेनर है, टैंकर है, वो सीधा प्लेन के अंदर चढ़ाया जा रहा है ऑक्सीजन का। वहाँ से मदद मांगी जा रही है। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो चुकी है इंडिया के अंदर कि लाशों के लिए जगह नहीं है, लोग मरना शुरू हो गए हैं। हॉस्पिटलों के अंदर जगह नहीं है जिंदा इंसानों को जो कि कोरोना के शिकार हो रहे हैं। इतना तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। स्वागत है सभी का इस चैनल पर। जो लोग कुवैत इंडिया से आना चाहते हैं नए वीज़ा, या फिर जो पुराने फंसे हुए हैं, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई है। क्योंकि बढ़ गई, अभी इंडिया के अंदर इतने हालात बेकाबू हो चुके हैं कि जो लोग इंडिया से कुवैत आना चाहते हैं उनके लिए फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया है। किसी भी तरह की फ़्लाइट कुछ महीनों तक नहीं खुलेगी, क्योंकि अभी इंडिया में इतने हालात बेकाबू हैं कि लाशों को जलाने के लिए शमशान के अंदर जगह नहीं बची है। अगर लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं बची है, कोरोना इतनी भारी मात्रा में और तेज़ी से फैल रहा है कि सभी कंट्रियां धीरे धीरे फ्लाइट बंद करती जा रही है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए, 15 दिन, 20 दिन, या फिर 1 महीने 2 महीने के लिए बिल्कुल बंद रहेगी, नहीं खोलेंगे। अगर खोलेंगे तो सब कोरोना से डरते हैं, तो क्यों खोलेंगे? क्योंकि अभी लाशें जलाने के लिए भी जगह नहीं है इंडिया के अंदर। इतने भारी मात्रा में कोरोना फैलने लग गया है। जो नया वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ महीनों के लिए भूल जाए, जो वापस रिटर्न जाना चाहते हैं वैलिड वीज़ा वाले, उनको भी अब लंबा इंतज़ार करना होगा। क्योंकि अगर जो लोग दुबई रुकते थे पहले, वो दुबई से भी फ्लाइट बंद है। अभी दुबई से रुकने के बाद जाते थे 14 दिन, वो भी नहीं जा सकते कुवैत के अंदर। इसलिए वेट करना होगा, जब कोरोना कम होगा तब जाके फ्लाइट खोले जाएंगे, तब तक नहीं खुलेंगे। और अभी जो इंडिया में हाल फिलहाल कोरोना के केस हो रहे हैं वो 3 लाख से ऊपर डेली के। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, और शमशान के अंदर कुछ भी जगह नहीं है। लोगों को, मुर्दा लोगों के लिए जगह नहीं है, जिंदा के लिए अस्पताल के अंदर जगह नहीं है। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो चुकी है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर रहा है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, सभी लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, उन्होंने आग्रह किया है कि अगर ऑक्सीजन चाहिए इंडिया को तो हम दे सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इतनी भारी मात्रा में हालात बिल्कुल बेकाबू है। कोई भी अभी फ्लाइट नहीं खोलेगा इंडिया से कुवैत में आने के लिए, या फिर दुबई के लिए भी अभी कोई ऐलान नहीं होगा जल्दी ही। चैनल में और भी कई वीडियो है, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं जो दे रखी है। चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइम से न्यूज़ मिल सके।